क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, ये कहता है कि यदि Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन ये आपको प्रूव करना है कि Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कीजिए उसका रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 की मल्टीप्लाई उसका रियल पार्ट, वो इक्वल आएगा Z1 का रियल पार्ट मल्टीप्लाई Z2 का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और माइनस इमेजिनरी ऑफ Z2। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए लेट सॉल्यूशन करते हैं, लेट Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं अभी, तो Z1 हमने मान लिया a प्लस i बटा b, ठीक है बेटा, और Z2 हमने मान लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो c प्लस i बटा b, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं हमें Z1 और Z2, तो Z1 और Z2 हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, Z1 आ गया a प्लस i बटा b और Z2 क्या मान लिया हमने c प्लस i बटा b। तो यहां देखो Z1 का रियल पार्ट क्या होगा बेटा a, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है b, Z2 का रियल पार्ट क्या है C, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है D। अब हम Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई, यानी A प्लस R का B को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं C प्लस R का D से, तो बनेगा AC आयोटा AD आयोटा BC आयोटा स्क्वायर BD, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो AC इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -50, ठीक है। और इन दोनों टर्म से आयोटा कॉमन ले लिया तो 80 प्लस बीसी क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया Z1 Z2 की मल्टीप्लाई। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है ये कहता है कि रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2, ये प्रूव करना है। अब देखो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई का रियल पार्ट उठाओ, ये Z1 Z2 की मल्टीप्लाई थी, इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, इसका रियल पार्ट आ रहा है बेटा AC माइनस BD इज इक्वल टू Z1 का रियल पार्ट, ये Z1 था इसका रियल पार्ट A, रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का रियल पार्ट C, फिर माइनस Z1 का इमेजिनरी पार्ट, Z1 का इमेजिनरी पार्ट B, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट B। देखिए दोनों साइड आप इक्वल कर दीजिए, AC माइनस BD इज इक्वल टू AC माइनस BD। अब सेकंड पार्ट प्रूव करो आप इसी तरह, सेकंड पार्ट में कहता है इमेजिनरी लेनी आपने Z1 Z2 की वैल्यू इक्वल आएगी रियल Z1 इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 और रियल Z2 इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 की मल्टीप्लाई इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया 80 प्लस 20 आ गया इक्वल है ये रियल Z1 Z1 का रियल पार्ट A Z2 का इमेजिनरी पार्ट Z2 का इमेजिनरी पार्ट B इमेजिनरी Z1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट B और रियल Z2 Z2 का रियल पार्ट C। देखिए दोनों साइड इक्वल आ, ठीक है। तो आप कोई भी Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना, u प्लस i x प्लस y कुछ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, रियल अलग कर देना इमेजिनरी अलग कर देना और इनके वैल्यू पुट कर देना बेटा, दोनों साइड आपकी क्या आ जाएगी इक्वल हो जाएगी।